भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सॉरी गुड मॉर्निंग बोली भैया। आज का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है बुलेट वाला, सीपी हॉस्पिटल और उससे सिक्टा के बीच खेला जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। गेम स्टार्ट होता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज को बुलाया गया। पहली गेंद कट किया गया तो स्लिप के क्षेत्र में, थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से बाहर, और पहले ही गेंद पर स्लिप के क्षेत्र से चार रन आता हुआ। फैजान जिन्होंने अपना खाता खोला है चार रनों के साथ, जबकि इस वक्त गेंदबाजी में सोहेल। अच्छी गेंद, फाइल लेग के क्षेत्र में खेला है, जब तक स्क्वायर लेग फाइल एम्पायर के बगल से गेंद को उठाते, एक सिंगल पूरा करते हुए फैजान एक रन यहां जुड़ता हुआ, और फैजान के खाते में जबकि टीम के खाते में भी एक रन जुड़ता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला टॉस जीता सिक्टा के कप्तान ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया सीपी हॉस्पिटल कुशीनगर की टीम। बल्लेबाजी करती हुई, जबकि इस वक्त स्ट्राइक पर तैयार होते हुए अतुल्ला के लिए सामने बाएं हाथ के गेंदबाज, राइट हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर हल्के हाथों से पिच पे गेंद को दबा दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 5। टॉस हार के सिटी हॉस्पिटल पहले बल्लेबाजी करती हुई, पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सिक्टा बनाम सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर के बीच। बाएं हाथ के गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद खेलने का प्रयास ऑफ स्टंप के ऊपर, पैडल शिफ्ट करना चाहते थे फाइल लेंग के ऊपर से लेकिन पूरी तरह से चूक गए। गेंद पिच पर लुटकी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 5। भाई जी तो लोग देख रहे वीडियो को शेयर करते रहे, एक एक लाइक और वीडियो को शेयर कर दे, और जफर जो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर दे। बल्लेबाज के लिए नीची रहती हुई सीधा विकेट कीपर के पास, लोग देख सकते हैं अभी भी स्कोर बोर्ड रुका हुआ है 5। पहले सेमीफाइनल का पहला ओवर डाला जा रहा है मुलायम के द्वारा, दुर्गेश सामने इस वक्त तैयार होते हुए, रिंकू देखा जाए अतुल्ला क्या करते हैं अपनी टीम के साथ, खाता नहीं खोला है, तीन गेंदों का सामना किया है अगली गेंद के साथ मुलायम की। अच्छी गेंद डॉक्टर का बयान पकड़ लेने का खतरा हो सकता था सिटी हॉस्पिटल को, लेकिन इतना आसान नहीं होता है बैक टू द बॉलर किसी खिलाड़ी का कैच पकड़ना, लेकिन बेहतरीन वहां पे बचाओ गेंदबाज के द्वारा। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 5। बिना किसी नुकसान के पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है डीएसटी दयाशंकर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का, ये प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला सीबी हॉस्पिटल बनाम सिक्टा के बीच खेला जा रहा है, जिसमें सिक्टा टॉस जीता पहले फील्डिंग करने के लिए आई, और सीबी हॉस्पिटल टॉस हार के पहले ओवर के खेल के बाद 5 रन बनाए हैं बिना किसी नुकसान के। तो पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ दूसरा ओवर शुरू हो रहा है बाजार इंड से। पंकज पांडे आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, जबकि सामने फैजान तैयार होते हुए
पंकज पांडे का गेंदों का सामना करेंगे। पंकज फैजान के लिए तैयार होते हुए बाजार छोर से ठीक बाजार छोर से तैयार होते हुए फैजान के लिए दाएं हाथ से पहली गेंद। ये गेंद अच्छी गेंद खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक सिंगल के लिए। हल्के हाथों से खेली गई ये शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खड़े खिलाड़ी ने थैंक यू सो मच। जो लोग आगे और गेंद को फॉलो कर ले जो लोग सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड में एक रन और जुड़ता हुआ जबकि स्कोर पहुंच गया छह बिना किसी नुकसान के। पंकज अब अतुल्लाह के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ का गेंदबाज बाजार छोर इंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होता हुआ। बेहतरीन मुकाबला डीएसटी दयाशंकर स्मृति टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला पंकज अतुल्लाह के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद यॉर्क लैंड की गेंद थी लेकिन खेला उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 30 गज सर्कल से जब तक खिलाड़ी गेंद को उठाता थ्रो करता दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर को दुबई से पूरा किया। थैंक यू सो मच भाई रन जोड़ा एक रन के साथ स्कोर भेजा पा होता हुआ स्कोर पहुंच गया 7। बेहतरीन मुकाबला पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है दयाशंकर तिवारी जी की स्मृति में आयोजित होने वाली है क्रिकेट प्रतियोगिता। अगली गेंद बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए बाहर जाती हुई इन 6 रनों के साथ पहला बाउंड्री आता हुआ सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर के लिए स्कोर बढ़ के पहुंच गया 13। बिना किसी नुकसान के पंकज खराब गेंद अब स्टंप के ऊपर काफी पटकी हुई शॉर्ट डिलीवरी पूरी तरह से बाहर थी और अपने कदमों को पीछे खींचा पॉइंट कवर के ऊपर से एक बेहतरीन स्ट्रोक और 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पे पहुंचा दिया स्कोर को 13 बिना किसी नुकसान के। देर से आए हुए दर्शकों को एक बार फिर से बता दे सुबह सुबह टॉस जीता सिक्टा के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया आमंत्रण किया यहाँ पे एसीपी हॉस्पिटल को बल्लेबाजी के लिए। अगली गेंद लेग स्टिक के बाहर शाहीन गेंदबाजी निश्चित तौर पे व्हाइट आनी चाहिए और दोनों ही हवा में हाथ इशारा आता हुआ व्हाइट का एम्पायर के द्वारा और एक रन के साथ यहाँ पे एक और रन जुड़ता हुआ। बेहतरीन प्रतियोगिता बेहतरीन मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं डीएसटी परिवार के सौजन्य से कराई जाने वाली ये बुलेट वाला मैच आज प्रथम दिवसीय सेमीफाइनल तक के सफर को पूरा करता हुआ। अगली गेंद के साथ ये गेंद बेहतरीन अंदाज में लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी है 30 गज सर्कल के अंदर लॉन्ग ऑफ पे गेंद को कलेक्ट किया कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंद पंकज के द्वारा यहाँ पे फैजान के लिए लेकिन किसी तरह से दूर ढकेला था गेंद को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 30 गज सर्कल से खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया कोई रन नहीं। अगली गेंद के साथ ये गेंद और खतरा हो सकता है लेकिन उसकी पूरी भरपाई करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम के नाम दर्ज करते हुए बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए रमेश सैनी देखा जाए क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। तीसरे बल्लेबाज के रूप में इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मैदान के ऊपर जबकि सामने इस वक्त पंकज एक सफलता अर्जित की है पंकज ने कोटे के पहले ही ओवर में एक खराब गेंद को छोड़ दिया जाए तो पंकज ने इस ओवर में अच्छी गेंद लाइन टू लाइन गेंदबाजी जरूर की है। थोड़ी सी पहली 2-3 गेंदों पे थोड़ी सी दिशा में चूके जरूर थे लेकिन पूरी तरह से वापसी की एक सफलता दिलाई टीम को महत्वपूर्ण विकेट। अगली गेंद के साथ पंकज रमेश के लिए गेंद खेलने का प्रयास भाग्यशाली वहां पे रमेश मोटा किनारा करके देखते भाई फाइनल में स्ट्रोक लगाना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से पूरी तरह से चूक गए। दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 13 एक खिलाड़ी के नुकसान पे माइक्रोफोन पर आमंत्रित करते हैं अपने साथी कमेंटेटर फारूक अहमद जी को।
बहुत बहुत शुक्रिया परमेंद्र भाई। दो ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पर कुल रन संख्या है 14 रन एक विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज फैजान जो आउट होकर वापस लौट चुके हैं और नए बल्लेबाज रमेश सहनी आए हैं और उनके साथ हैं अतिउल्लाह। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत 15 ओवर के खेल में पहली इनिंग का खेल चल रहा है। टॉस जीता सिक्टा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज मुलायम अपने गोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और टीम की तरफ है तीसरे ओवर की गेंदबाजी। शरीर से टकराई तभी लेती हुई गेंद आके लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, पांव से टकराती हुई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। हैट्रिक छक्का अगर बल्लेबाज के द्वारा लगाया जाता है या हैट्रिक विकेट गेंदबाज के बदौलत लिया जाता है तो मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान इस आज के मुकाबले में विनय कुमार मिश्रा और दीपू मिश्रा जी की तरफ से जो ऊपर मुख है भोरे के उनके तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार किसी भी तरीके का हैट्रिक पे दिया जाएगा 1100 रुपये का पुरस्कार। मुख्य मंच पर विराजमान श्री विनय कुमार मिश्रा और दीपू मिश्रा ऊपर मुख भोरे इनके तरफ सौजन्य से रखा गया यह पुरस्कार। अगर बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाने में कामयाब होते हैं या गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेने में सफल होते हैं तो 1100 रुपये की सहयोग राशि उनके माध्यम से उस खिलाड़ी को बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को प्रदान किया जाएगा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है, रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 18 रन एक विकेट के नुकसान के साथ। हवा में गेंद पोजीशन किया जा रहा है, दुर्गेश विकेट मिलेगा, एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता हुआ यहां पर और अब आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अतिउल्लाह। तो इस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर डग आउट में वापस लौट चुके हैं दो विकेट के नुकसान के पश्चात। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में जीएसटी स्मृति टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में इस वक्त सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर का प्रदर्शन जो है वो तीसरे ओवर की गेंदबाजी में 18 पे दो विकेट के नुकसान सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की टीम ने। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज चल रहा है, देर से आए दर्शकों को बता दिया जाए या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है या फेसबुक पेज के लाइव माध्यम के साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं उनको बता दें कि टॉस का जब सिक्का हवा में फेरा गया तो टॉस का सिक्का गिरा सिक्का के कप्तान के पाले में। रिंकू ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जो उनके पहले गेंदबाजी करने का चुनाव था वो बहरवा के सलमी पे रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी दो विकेट के नुकसान के साथ इस वक्त सिटी हॉस्पिटल है 18 रन दो विकेट के नुकसान के साथ। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में मुलायम को मिली है कामयाबी। मुलायम दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, दोनों छोर से लगातार गेंदबाजी चली है और मुलायम की खासियत कोई बहुत ज्यादा पेस है नहीं मुलायम की गेंदबाजी में, लेकिन जो लाइन और लेंथ है, जो वेरिएशन है, विविधता है, वो खतरनाक बनाती है मुलायम को। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर आती हुई कॉपी बुक शैली में गेंद को नजाकत भरे अंदाज में गेंद को ढकेला, कवर के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 18 पे इस वक्त दिखाई दे रहा है दो चोटी के बल्लेबाज यानी दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। मुलायम चले हल्के हल्के कदमों से रवि मिश्रा को छोड़ने के साथ एक बार फिर से सम्मान दिया उसी क्षेत्र में बिल्कुल कॉपी पेस्ट अंदाज में गेंद को कवर के क्षेत्र में धकेला, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 18 पे बिल्कुल धीमा चल रहे हैं ये देखते हुए कि दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। तो कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यही है कि कम से कम दो तीन ओवर तक निगाहें जमाई जाए उसके बाद हमला बोला जाए इस मुकाबले में। एक बार फिर से खेला जरूर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर पहुंचती, एक रन लेने का मौका रवि मिश्रा का अनोखा डिसीजन आ रहा है नो बॉल का। तो इस तरह से फ्री हिट का संकेत मिलता हुआ और इस दो रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होकर जा पहुंचा है 20 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज रमेश सहनी और दूसरे छोर पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं फैसल खान। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर, यहां से टीम को काफी दूर अग्रसर करके ले जाने का। यहां से विकेट अगर 5-7 ओवर तक सिटी हॉस्पिटल की टीम न गंवाती है और स्कोर बोर्ड पे अगर 50-60 रन टांग देते हैं तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा, मुफीद रहेगा उनको बल्लेबाजी करना। अन्यथा अगर यहां से विकेट गंवाती है सिटी हॉस्पिटल की टीम तो दोहरे दबाव में अपने आप को महसूस करेगी। गेंदबाज बुलाएं तैयार, सफल गेंदबाज अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। बोलाए
सामने है बल्लेबाज रमेश सहनी, फ्री हिट की गेंद, सामना करेंगे रमेश कुमार। बहरमा बाजार गोपालगंज जिले के पश्चिमी छोर पे उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ ये गांव, लेकिन इसे बहुत शानदार तरीके से फ्लैट सिक्स खेला है स्पार्क अंपायर के सर के ऊपर से शानदार छक्का, और इस छक्के के साथ ओवर की समाप्ति का भी संकेत मिलता हुआ। तीन ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 26 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ। तीन ओवर के समाप्ति पे टोटल स्कोर 26 रन। मुख्य अतिथि आज के मुकाबले जिनके तरफ से 1100 रुपए का हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट में पुरस्कार है, श्री विनय कुमार मिश्रा जी उर्फ दीपू मिश्रा जी वो प्रमुख हैं जो भोरे के, और साथ साथ अतिथि के तौर पर विराजमान संतोष सिंह जी बीडीसी, धर्मेंद्र सिंह जी बीडीसी, नागेंद्र गुप्ता जी बीडीसी, पिंटू यादव जी बीडीसी, प्रमोद ठाकुर जी बीडीसी, चंद्र यादव जी पूर्व बीडीसी। गेंदबाज दुर्गेश हैं। गेंदबाज कौन है? पंकज, पंकज पांडे। सामने है बल्लेबाज फैसल, फैसल खान। इशारे का इंतजार मुख्य अंपायर का, और अब हाथ खुल रहा है धीरे धीरे, वाइड के संकेत मिलेगा। एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 27 रन पे। हैट्रिक छक्का हैट्रिक विकेट पे 1100 रुपए का पुरस्कार विनय कुमार मिश्रा और दीपू मिश्रा उपप्रमुख भोरे की तरफ से रखा गया है। शरीर से गेंद टकराई, काफी तेज गति से गई है, नॉन स्ट्राइक गेंद के थोड़ा सा दूर रहे थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन मिसफील्ड जिसका पूरा फायदा एक रन आसानी के साथ मिलेगा। लेग बाई का संकेत और इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है 28 रन पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी चल रही है और कमेंट्री छोर से गेंदबाजी चल रही है चौथे ओवर में। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी, दो ही गेंदबाज का अभी तक इस्तेमाल किया है हाटा सिक्का के कप्तान रिंकू ने। पंकज तैयार, टकराने भर दिया बल्ले के साथ, कोई रन बनाने का मौका नहीं, 28 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो दो महत्वपूर्ण विकेट दोनों सलामी बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी, रमेश साही है स्ट्राइक पे, फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल सिमटा हुआ और प्ले तक। अगली गेंद पूरा दावत दे दिया और उसको कबूल किया, 6 रन के लिए टांगा है गेंद को, शानदार छक्का रमेश साही के बल्ले से निकलता हुआ, और इस खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर बोर्ड भी छलांग मारता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ। फुल टॉस के करीब गेंद थी और पूरा गेंद को नसीहत दिया, गेंद को मिड विकेट के ऊपर से टांग के खेला 6 रन के लिए रमेश साही के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का। एक बार और गेंद को उठा के खेला लेकिन फंस गए हैं और रमेश साही आउट होकर वापस जाएंगे। तीसरा विकेट गिरता हुआ सीपी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से, रमेश साही आउट होकर वापस लौट रहे हैं। डीप में खिलाड़ी पावर प्ले में तैनात करके रखा था, लॉन्ग ऑन से थोड़ा सा वाइड इस डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में और वहीं पे स्ट्रोक खेल गए। पोजीशन काफी शानदार रहा भी रहेगा और क्या शानदार जजमेंट के साथ कैच लपका, इस तरह से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 34 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ, 34 रन 3 विकेट के नुकसान के साथ। पंकज को मिलने वाली दूसरी कामयाबी, दो विकेट लेकर सफल गेंदबाजों की फहरिस्त में पंकज, नए बल्लेबाज सत्यम। सत्यम सत्यम आए हैं नए बल्लेबाज, जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि तीन बल्लेबाज जब 34 रन आपका स्कोर बोर्ड पर संख्या है और आपके चोटी के बल्लेबाज
तीन जब डग आउट में वापस लौट चुके हों तो आपको विचार विमर्श करने की जरूरत है और यहां से सोच विचार के बल्लेबाजी करनी होगी सिटी हॉस्पिटल के बल्लेबाजों को। पीछा किया बल्ले के साथ, किस्मत वाले रहे कि कहीं किनारा न लगा, अन्यथा स्लिप भी तैनात रखा है पंकज ने। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो तीन चोटी के बल्लेबाज अतीउल्लाह, फैजान और रमेश शहनी, तीन बल्लेबाज आउट हो चले हैं। बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, यॉर्कर लेंथ गिरी और आके बल्ले के निचले टू से टकराने भर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे अभी भी है 35 रन। गेंदबाज पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है जो थोड़ा सा वाइड खड़ा है, फाइन लेग के स्थान पे थोड़ा सा फाइन लेग तैनात किया है, कवर के ऊपर खिलाड़ी है, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी दिया है वहां पर, फिर से दिशा दिया बल्ले के साथ। फर्स्ट स्लिप से होती हुई गेंद पहुंची थर्ड स्लिप के क्षेत्र में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे चार ओवर के समाप्ति के पश्चात 35 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, तीन विकेट के नुकसान के पश्चात मुख्य अतिथि विनय कुमार मिश्रा उर्फ देबू मिश्रा, साथ साथ आयोजन समिति के तमाम सदस्य कमेंट्री बॉक्स में विराजमान है। सबके लिए समर्पित ये चार पंक्तियां मैं दे रहा हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चिरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। पांचवें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत दूर छोर से की जाने वाली है और चार ओवर के समाप्ति के पश्चात अगर स्कोर बोर्ड पे नजर डाला जाए तो कुल रन संख्या इस वक्त दिखाई दे रहा है 35 रन, तीन चोटी के बल्लेबाजों को डग आउट में लौट जाने के पश्चात। गेंदबाज गेंदबाज का मैं नाम जानना चाहता हूं, शेखर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने है फैसल खान, फैसल खान लेकिन इशारा रवि मिश्रा का देवरिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस तरीके का अनोखा एक्सेंट रहा है डिसीजन लेने का, निश्चित तौर पे अपने अंदाज से मशहूर हो गए हैं रवि मिश्रा। वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 36 रन। डीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और जो मशहूर हो चला है पूरी तरह से बुलेट पल्सर वाला टूर्नामेंट, बुलेट पल्सर वाली टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर बनाम हाटा सिक्टा के बीच में, जिसमें सिक्टा ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया सिटी हॉस्पिटल को बल्लेबाजी करने के लिए। पांचवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 36 रन। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, लेकिन डीप में खिलाड़ी है, एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड आहिस्ता मगर निश्चित कदमों से गतिशील होता हुआ 37 रन, तीन विकेट के नुकसान के साथ। पांचवें ओवर की गेंदबाजी, तीसरा परिवर्तन गेंदबाजी में और गेंदबाज हैं शेखर, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दूर वाले छोर से। नहीं पानी नहीं चाहिए। बहुत शानदार तरीके से गेंद को खेला लेकिन शिवम मौजूद है, कवर के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। पावर प्ले का जो अनुभव है, फील्ड रेस्ट्रिक्शन फैला दी गई है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शानदार गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा बाहर की तरफ सीम करती हुई, शरीर से आगे टकराई, वहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 37 रन, तीन विकेट के नुकसान के पश्चात पांचवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है और गेंदबाज शेखर गेंदबाजी कर रहे हैं। भाई जो लोग देख रहे वीडियो को, एक लाइक और वीडियो को शेयर करते रहे भाई।
38 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। ये बहुत शानदार है, कातिलाना स्ट्रोक और गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार धारदार छक्का, 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, और इस खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर बोर्ड भी छलांग मारता हुआ जा पहुंचा है। 44 रन 3 विकेट के नुकसान के पश्चात ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ, तो इस तरह से 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 44 रन 3 चोटी के बल्लेबाज के आउट हो जाने के पश्चात डीएसटी एसपीरिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 1 बजे से खेला जाएगा और रविवार को होगा इस टूर्नामेंट का खिताबी खेलन यानी फाइनल मुकाबला 12 बजे से। पहले बल्लेबाजी कर रही है आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में सिटी हॉस्पिटल की टीम, टॉस गंवाने के पश्चात प्रतीक मिर्जा का मैच कल है। प्रतीक गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपने बॉलिंग मार्ग पे जो प्रतीक का दौड़ने का स्टंट है वो निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद कोई बहुत ज्यादा रफ्तार है नहीं इनकी गेंदबाजी में, लेकिन गेंद गिरने के पश्चात जो दोनों जानी घुमाव करती है ये मुश्किल पैदा करती है बल्लेबाज के लिए। 15+15 ओवर का मैच खेला जा रहा है, ये फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है। हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, इसी का मैच जिक्र कर रहा था, फंस गए वहां पर फैसल खान। इस तरह से एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन होता है, चौथा विकेट सिटी हॉस्पिटल ने गंवा दिया है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 44 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 4 चोटी का बल्लेबाज और प्रतीक पाए पहले ओवर में ही छा गए, दूसरी गेंद और वहां पर फैसल खान को रास्ता दिखाया डग आउट का। दस गेंदों का सामना किया फैसल खान, अपने फॉर्म को तलाशते रहे, जूझते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे, 10 गेंदों का सामना करके 3 रन बना के वापस लौटे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं फैसल खान। 4 विकेट गंवाए जा चुके हैं, 44 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, और ओवर की अगर बात की जाए तो 6 ओवर की गेंदबाजी चल रही है, तो टॉस जीत के जो गेंदबाजी करने का चयन था रिंकू का, सिक्का के कप्तान का, वो सही दिशा में मूवमेंट करता नजर आ रहा है इस पहरवान सरजमी पे। नए बल्लेबाज निकोलस पूरन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अगली गेंद दिशा दिया, थर्ड स्लिप के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं, पूरन इनका नाम, लेकिन निकोलस पूरन अगर जोड़ा जाए तो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम आता है बल्लेबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म से। प्रतीक गेंदबाज 4 नंबर की जर्सी में कमेंट्री छोर से, बहुत तेज रफ्तार की गेंद और 9 बॉल का संकेत मिलता हुआ, इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होकर जा पहुंचा है 2 रनों के साथ। 46 रन स्कोर बोर्ड पे फिर हिट की गेंद डालने के लिए तैयार होंगे गेंदबाज प्रतीक। पानी लाइए भाई पानी। गेंदबाज प्रतीक फिर हिट की गेंद डालने के लिए तैयार, सामने है बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सत्यम, पूरा मौका है टॉप गियर लगा के खड़ा हो जाने का, लेकिन चूंकि पूरी तरह से बहुत शानदार गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात तेज गति से होती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर की दिशा में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। मुख्य अंपायर डॉक्टर कमलेश कुशवाहा, पहचान रहा हूँ इनका भी सराहनीय योगदान इस टूर्नामेंट के सफल संचालन के लिए रहा है। टेंट वाला जो भी मामला है उनके स्कोर बोर्ड वाला भी रिप्ले के साथ आएगा भाई। तेज रफ्तार की गेंद, क्या गेंद ने घुमाव पाया
और बल्ले को चूमती हुई निकल गई विकेट कीपर के दिशा में, और इस तरह से सत्यम सोचते रह गए और गेंद उनके बल्ले को छू के निकल गई विकेट कीपर के हाथ में। एक तरह से पांचवें विकेट का पतन यहां पर हो रहा है। सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से सत्यम पांचवें बल्लेबाज के तौर पर आउट होकर वापस लौट रहे हैं। लखनऊ में छह गेंदों का सामना किया सत्यम ने और सात रन बना के वापस लौट रहे हैं सत्यम। नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए निश्चित तौर पे यहां से दबाव में। ठीक है सामने मुझे कॉल करिए, मैं बता। नकुल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गजब की गेंदबाजी अपने पहले ओवर में प्रतीक के द्वारा। हवा में गेंद कुछ समय के लिए जरूर, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में लैंड करेगी गेंद। एक रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ। छह ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 47 रन। आधी टीम आउट होकर वापस लौट चुकी है। सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से मुख्य अतिथि आज के श्री विनय कुमार मिश्रा जी उर्फ दीपू मिश्रा जी, वो प्रमुख धोरे मंच के ऊपर विराजमान, साथ साथ और जो मेहमान जिनकी उपस्थिति हुई है, संतोष सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, नागेंद्र गुप्ता जी, पिंटू यादव जी, प्रमोद ठाकुर जी, चिंतन यादव जी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिनकी उपस्थिति मुख्य मंच पे नजर आ रही है। और साथ साथ आयोजन समिति के तमाम सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। जीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के शेखर, अगर गेंदबाज हो तो हाथ उठा ले। शेखर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के मुहाने पे। बहुत शानदार, भी सीधे हाथ में खेल गए। पॉइंट के क्षेत्र में मुलायम खड़े थे, वहां पर सीधे हाथ में खेल गए। छठे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से 47 रन कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के साथ। तो निश्चित तौर पे अब दोहरे दबाव में सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की टीम 6 विकेट गंवा चुकी है, संघर्ष कर रही है। नकुल आउट होकर लौटने वाले बल्लेबाज भाई मात्र एक रन का योगदान देके वापस लौट रहे हैं। नकुल ए भाई ए, ए। बड़ा मुकाबला, अरे पानी प्यास। निश्चित तौर पे जो दबाव है इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कुशीनगर सिटी हॉस्पिटल के बल्लेबाजों के ऊपर। 47 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नए बल्लेबाज गोलू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 47 रन। 6 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। गेंदबाज तैयार। अगली गेंद और इस बार सीधी टकराई वहां पर। बल्ले के साथ कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इस वक्त दिखाई दे रहा है कुल रन संख्या 47 रन 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। साफ दबाव इस वक्त सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की टीम के ऊपर। बल्ले से टकराने के पश्चात गेंद जमीन को छूती हुई गई। एक विकेट के क्षेत्र से दुर्गेश कुमार भाग कराते गेंद को उठाते। कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 47 रन कुल रन संख्या दिखाई दे रहा है 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। रवि मिश्रा मुख्य अंपायर, डॉक्टर कमलेश कुशवाहा एस्पार्लिंग अंपायर का कमान संभाल रहे हैं। टप्पा पड़ने के पश्चात बाहर निकलती हुई और जाने भर दिया, ये देखते हुए कि विकेट काफी तेज गति से गंवाई है सिटी हॉस्पिटल की टीम ने, तो जाने भर दिया विकेट कीपर के दिशा में। और ठीक है भोजपुरी का वो कहावत कि जब दूध से मुंह जर जाला तो माठो फूक के पिया जाला। बिल्कुल जो गेंद खेलने वाली है उसको भी जाया कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं विकेट कीपर के दिशा में।
अगली गेंद को खेला, पॉइंट के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 47 रन स्कोर बोर्ड थे, 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। अगली गेंद और इस बार टप्पा पड़ने के पश्चात सीधे बाहर की तरफ निकलती हुई, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, पहला बैडन ओवर संपन्न होता हुआ यहां पे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 47 रन, 6 विकेट के नुकसान के पश्चात। ओवर की अगर बात की जाए तो 7वें ओवर की समाप्ति हो चली है। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या है 47 रन, 6 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। रंजन खरवार, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे आग्रह है कि कमेटी कमेंट्री बॉक्स तक आकर आप संपर्क करें। रंजन खरवार, जिस तरीके का दबाव आठवें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और आठवें ओवर की गेंदबाजी में कौन गेंदबाज होते हैं जो आते हैं गेंदबाजी करने के लिए? सिटी हॉस्पिटल के जो भी डायरेक्टर, उनसे आग्रह है कि अपना प्लेइंग 11 की सूचना कमेंट्री बॉक्स तक लाकर दे दें। पंकज पांडे अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी को लेकर तैयार। सामने है बल्लेबाज, बहुत तेज गति की गेंद, बल्ले के ऊपरी तो कुछ छूती हुई, नजदीकी क्षेत्र में लुटकी, कोई रन बनाने का मौका नहीं। दुर्गेश के द्वारा गेंद दिया जा रहा है अपने गेंदबाज पंकज पांडे तक। बहुत शानदार गेंदबाजी पंकज के द्वारा भी रही है, लेकिन इससे पहले जब वो गेंदबाजी करने के लिए वापस आए, प्रतीक क्या शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेट अगर दिखाई दे रहा है 7वें ओवर की गेंदबाजी की समाप्ति के पश्चात, तो इसका पूरा श्रेय प्रतीक को जाता है। अगली गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात और बाहर की तरफ निकलती हुई सीधे गई, विकेट कीपर के क्षेत्र में कोई गेंद बनाने का मौका नहीं। जीएसटीए सीरीज टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता बहरमा बाजार के सरजमे पे सीजन 9 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, पंकज और प्रतीक दोनों दो दो विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। गेंदबाज पंकज चले और इस बार इशारा होगा डॉक्टर कमलेश कुशवाहा का, इशारा आता हुआ वाइड का, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होकर जा पहुंचा है। कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 48 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। आठवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, गेंदबाज पंकज पांडे सिटी हॉस्पिटल का प्लेइंग 11 की जो सूचना है, प्लेइंग 11 का जो लिस्ट है वो कमेंट्री बॉक्स तक जितना जल्दी हो सके पहुंचा दिया जाए। बहुत शानदार गेंद, टप्पा पड़ने के पश्चात कांटा बदलती हुई, स्टंप के ऊपर से होती हुई सीधे गई, विकेट कीपर की दिशा में रिंकू मौजूद है, उस क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या 48 रन, स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। विकेट की अगर बात की जाए तो 6 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। कल इस टूर्नामेंट का टीएसटीएस टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा और परसों होगा रविवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। पुरस्कार आज के लिए जो भी बल्लेबाज हैट्रिक पूरा करते हैं या हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज होते हैं उनके लिए दिनय कुमार मिश्रा और टीपू मिश्रा और प्रमोद भोरे, इनके तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार किसी भी तरीके के हैट्रिक पे दिए जाएंगे। गेंदबाज तैयार, पंकज पांडे है अपने कोटे के तीसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने है बल्लेबाज गोलू तैयार स्ट्राइक पे। अगली गेंद हवा में कुछ समय के लिए, गेंद जरूर डीप में, खिलाड़ी मौजूद हैं, प्रतीक है उस क्षेत्र में और इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर का 50 पूरा हुआ है। आठवें ओवर की गेंदबाजी में आए हैं 50 रन, कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 50 रन, 6 विकेट के नुकसान के पश्चात आठवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। पांच पांच
पंकज पटेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार शरीर से टकराती हुई गेंद नजदीकी क्षेत्र में लुढ़की, कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 50 रन, ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 50 रन स्कोर बोर्ड पे। आयोजन समिति टीएसटीएस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आयोजन समिति और तमाम दर्शकों के लिए समर्पित है। ये चार पंक्तियां कि जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पे उनके ही माता पिता का राज होना चाहिए, जो लहू अपना बहाते हैं वतन के नाम पे उनके ही माता पिता का राज होना चाहिए और जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए, उनके सर पर ही वतन का ताज होना चाहिए। पहले इनिंग के दृष्टिकोण से 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात ड्रिंक्स की टोली ग्राउंड पे भेजी जा रही है और 5 मिनट के ब्रेक के पश्चात फिर खेल गतिशील होगा। टीएसटी स्मृति T20 क्रिकेट प्रतियोगिता जिसकी अध्यक्षता कर रहे अजय गुप्ता जी, रतन रजक जी, उपाध्यक्ष भोला राय जी, मणिकांत मिश्रा जी, अरुण गुप्ता जी, दीपक तिवारी जी, कमलांक मिश्रा जी, उदय भान गुप्ता जी, संरक्षक स्टूडा बैन के गंगा सागर मिश्र जी, राघव मिश्र जी, नितिन नवीन त्रिपाठी जी, प्रमोद बैठा जी, विंध्याचल राव जी, कोषाध्यक्ष की भूमिका में आतिश द्विवेदी जी, ऋषु तिवारी जी, प्रेम बैठा जी, अरविंद कुशवाहा जी, नीतीश गुप्ता जी, विकास गुप्ता जी, प्रदीप राय जी, शिवम गुप्ता जी, विनय यादव जी, लोहा शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, भोलू पांडे जी, गोविंद सर जी, सोशल मीडिया प्रभारी विकास श्रीवास्तव जी, सूरज श्रीवास्तव जी, रंजीत मधेसिया जी, अनुभव तिवारी जी, मुकेश कुशवाहा जी, अमित तिवारी जी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। दो मिनट का ब्रेक है उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं भाई। न्यूज 49 के संचालक डीसी, न्यूज 49 डीसी, न्यूज प्लस सामाजिक चैनल है, इनके माध्यम से भी लाइव प्रसारण इस मुकाबले का किया जा रहा है, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। साथ साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और सफर एजेंट के फेसबुक पेज से लाइव प्रसारण इस मुकाबले का। रवि भाई का कार्यक्रम ग्राउंड के बीचों बीच चल रहा है और ठीक चंद मिनटों के अंतराल के पश्चात शुरू होगा आगे का सफर। चलिए चलिए डीएसटी एस्पिरेसी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 9 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला और इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फिर से आए दर्शकों को यह बात बता दी जाए कि जब टॉस का सिक्का हवा में फेरा गया तो टॉस का सिक्का गिरा सिक्का के पाले में, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का चुनाव किया और उनके गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही ठहरा दिया है। 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है 50 रन 6 विकेट के नुकसान के साथ।
गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। भैया टोल के समाप्ति हुई, टोटल स्कोर 50 रन। शेखर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। वाइड का इशारा रवि मिश्रा का। एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ नौवीं ओवर की गेंदबाजी में 51 रन 6 विकेट के नुकसान के साथ गेंदबाज चले। अगली गेंद उठा के खेला जरूर खिलाड़ी नीचे लेके जाएगी गेंद, ऐसा लग रहा है कि सीधे रोप से टकराई है गेंद। 6 रन का इशारा और शानदार छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 57 रन में स्कोर बोर्ड पे। नौवें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 57 रन। डीएसटी स्मृति टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 9 बहरमा बाजार के सरजमीन पे चल रहा है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले का पहले इनिंग का खेल जिसमें सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर का टीम का कुल रन संख्या है 9वें ओवर में 57 रन। बढ़िया गया टप्पा पाने के पश्चात थोड़ा सा अंदर आती हुई बल्ला पहले खींचा था बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन जैसे ही देखा गेंद टप्पा खाने के पश्चात अंदर की तरफ आ रही है, जाने भर दिया विकेट कीपर की दिशा में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। दबाव भरी गेंदबाजी सिक्का के तमाम गेंदबाजों की तरफ से। बढ़िया गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, जितनी तारीफ की जाए कम, यॉर्कर होती हुई और सीधे आके पांव से टकराई, वहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे, नो बॉल का इशारा। नो बॉल का इशारा किया है। एस्पायर लगातार डॉक्टर कमलेश कुशवाहा ने नो बॉल का इशारा किस बिना पे टेकन किया गया है, अभी कुछ ही समय पश्चात पता चलने वाला है। चौक किस्म की गेंदबाजी के लिए डॉक्टर कमलेश कुशवाहा, एस्पायर लगातार। अब निश्चित तौर पर दोनों ही अंपायर इस पर विचार विमर्श करेंगे। ऑब्जेक्ट किया है इस वाले अंपायर ने कि गेंद जो लीगल ट्रेजेक्टरी की है उस तरीके की गेंदबाजी कर नहीं रहे गेंदबाज। दोनों अंपायर डॉक्टर कमलेश कुशवाहा और रवि मिश्रा एक दूसरे के समक्ष कुछ गुफ्तगु चल रही है, मंत्रणा चल रही है और फैसला नो बॉल का कायम है। तो फ्री हिट की गेंद डालेगा गेंदबाज। इसके बाद गेंदबाज देख रहे, फॉलो कर ले भाई, लाइक और वीडियो को शेयर करते रहे, फॉलो भी कर ले भाई, जो लोग नए जुड़े रहे फॉलो कर ले और यूट्यूब चैनल जफर एंजे नाम से वो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले। दुबई से मैच देख रहा हूँ जफर भाई, थैंक यू चंदन कुमार भाई, आप लोग वीडियो को शेयर भी। गेंदबाज तैयार, हवा में गेंद जाएगी, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। गेंद बनने के बाद अब देख सकते हैं बुलेट और पल्सर और कप आ चुका है। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 62 रन। स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 62 रन। बहुत खूबसूरत गेंद, सिंगल के लिए जा रहे हैं, एक रन मुकम्मल किया जाएगा और इस एक रन के साथ फिर बाइक संकेत रवि मिश्रा का। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे जा पहुंचा है 63-63 रन स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान के साथ। हवा में गेंद, खिलाड़ी नीचे, दुर्गेश जा रहे हैं और इस तरह से 7वें विकेट का पतन होता हुआ। आज के मुकाबले के मुख्य अतिथि श्री विनय कुमार मिश्रा और दीपू मिश्रा जी की तरफ से जो उपप्रमुख हैं भोरे के, उनके तरफ से कमेटी के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि मिली है। डीएसटी परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, आपका नंदन बंदन अभिनंदन करता है। विनय कुमार मिश्रा और दीपू मिश्रा जी की तरफ से जो उपप्रमुख हैं भोरे के मुख्य अतिथि आज के मेहमान खुसूसी
इनके तरफ से 5100 रुपए की सहयोग राशि टीएसटी परिवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रन संख्या स्कोर बोलते 63 रन। नवनीश कुमार नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 63 रन स्कोर बोर्ड पे 7 चोटी के बल्लेबाज के आउट हो जाने के पश्चात बहरवा बाजार के सरजमी से टीएसटी स्मृति टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मुकाबले का खेल चल रहा है और अभी पहले इनिंग का खेल जिसमें निश्चित तौर पर संघर्ष कर रही है सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की टीम। टॉस गमा के पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला यही सिटी हॉस्पिटल की टीम। हवा में गेंद लेकिन जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शानदार डिसीजन रवि मिश्रा का और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 67 रन। ओवर की समाप्ति का भी संकेत मिलता हुआ सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की टीम कुछ इस प्रकार है। फैजान अतिउल्ला फैसल रमेश सत्यम पूरन नकुल गोलू सचिन नवनीश और अवधेश कुमार। सिटी हॉस्पिटल की टीम सिटी हॉस्पिटल बनाम हाटा सिक्टा गोरखपुर के बीच में पहला सेमीफाइनल मुकाबला जिसमें पहले बल्लेबाजी कर रही है सिटी हॉस्पिटल की टीम। दुर्गेश कुमार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दुर्गेश कुमार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कमेंट्री छोड़ से स्ट्राइक पे गोलू नॉन स्ट्राइक गेंद पे नवनीश कुमार। सिटी हॉस्पिटल की टीम का कोशिश यही रहना चाहिए कि 16-15 ओवर का खेल कैसे खेला जाए और एक टारगेट सेट किया जाए स्कोर बोर्ड पे जो बेहतर कदम होगा उनके आने वाले गेंदबाज के लिए जब दूसरी इनिंग में उनके गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे सिक्टा के बल्लेबाजों के सामने। हल्के हाथों से दिशा लिया एस्पायर लेग अंपायर रवि मिश्रा के बगल से होती हुई गेंद सीधे डीप एस्पायर लेग बाउंड्री पे पहुंच रही है। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इसे रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 68 रन 7 विकेट के नुकसान के साथ। गेंदबाजी 10वें ओवर की चल रही है और गेंदबाज है दुर्गेश कुमार। सामने नवनीश कुमार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। बहुत बड़ी चुनौती दोनों बल्लेबाजों के लिए। नजरों से पीछा किया जाने भर दिया टर्न लेती हुई गेंद को विकेट कीपर रिंकू की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 68 रन। 10वें ओवर की गेंदबाजी में दर्शकों को उम्मीद थी कि एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाएगी टीम और शायद यहां पे दुर्गेश कुमार की गेंदबाजी एक्शन को भी भापा जा रहा है। फिर से एक बार जाएंगे गेंद डालने के लिए। दोनों अंपायर पैनी नजर जमाए हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार दुर्गेश कुमार। सामने होंगे बल्लेबाज नवनीश। कमेंट्री छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 10वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है 68 रन 7 चोटी के बल्लेबाजों के आउट हो जाने के पश्चात टप्पा पड़ने के पश्चात और बाहर की तरफ निकलती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर रिंकू की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं दुर्गेश के लिए। अगर बाउंड्री लाइन के खिलाड़ियों पर नजर डाला जाए तो ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी है। ऑन साइड में नजर डाला जाए तो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे ये 5 खिलाड़ी जो है बाउंड्री लाइन के मुहाने पे खड़े हैं। बढ़िया रन के लिए जा रहे हैं। एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया जाएगा और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 69 रन 7 विकेट के नुकसान के पश्चात। दबाव बनाया है हाटा सिक्टा के गेंदबाजों ने
जिसका असर साफ दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पे। सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर के और इस बार सीधे स्टेज में गेंद आ रही है। दो खिलाड़ी बैकअप कर रहे हैं, गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक एक रन लेने का मौका और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 70 रन स्कोर बोर्ड पे। 10वें ओवर की गेंदबाजी में दुर्गेश कुमार है गेंदबाज, सामने होंगे नवनिश बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। पहला सेमीफाइनल मुकाबला डीएसटी स्मृति टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता का बहरमा बाजार के सरजमी पे। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 1 बजे से खेला जाएगा और परसों होगा फाइनल मुकाबला। जाने भर दिया विकेट कीपर के क्षेत्र में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति 10 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे है कुल रन संख्या 70 रन, 7 विकेट के नुकसान के पश्चात 70 रन स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अंकित पांडे आपका भी नाम लेंगे भाई। रमेश सहनी मॉडर्न प्रतीक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मॉडर्न सेंट्रल एकेडमी के डायरेक्टर राकेश शर्मा जी की तरफ से 3500 रुपये की सहयोग राशि कमेटी के लिए डीएसटी परिवार आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। 11वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, प्रतीक अपने बेटे के 2वें ओवर की गेंदबाजी को लेकर आए हैं। सामने है नवनिश, नॉन स्टैगिंग गेंद पे गोलू। इस बार गेंद को खेला है, सिंगल मिलेगा आसानी के साथ। 1 रन के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ कुल रन संख्या जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पे 72। 72 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 7 विकेट के नुकसान के पश्चात 11वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के लिए आग्रह है कि आप पिच के ऊपर दौड़ ना लगाएं, डेंजर जोन में तोड़ना लगाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी। अगली गेंद, क्या खूबसूरत टांगे खेला, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन चला है। शानदार छक्का, गोलू के बल्ले से निकलने वाले ये खूबसूरत छक्का और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 78। 78 रन स्कोर बोर्ड पे 7 विकेट के नुकसान के साथ 11वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 20 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे बल्लेबाजी कर रहे हैं गोलू। हाइएस्ट स्कोरर रहे हैं सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से अगर बात की जाए तो गोलू इस वक्त 20 रन के व्यक्तिगत रन संख्या भी खेल रहे हैं। स्ट्राइक के तैयार प्रतीक हैं गेंदबाज अपने कोटे के 2वें ओवर की गेंदबाजी में। एक बार हवा में लेकिन फंस गए, तीसरी कामयाबी प्रतीक को मिलती हुई और गोलू 20 रन की पारी खेलकर वापस लौट रहे हैं। 8वें विकेट का पतन होता हुआ सीपी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से। निश्चित तौर पे जिस तरह से गेंदबाजी रही है सिप्टा के गेंदबाजों की काबिले तारीफ, जितनी तारीफ की जाए कम है। अपने कप्तान के इरादों पे खरे उतरे हैं सभी गेंदबाज, इनकी गेंदबाजी कातिलाना रही है। ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, शादगी का भी मगर अपना मजा होता है। ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, शादगी का भी मगर अपना मजा होता है। और कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, रेल का वजन तो पटरी को पता होता है। कितना दबाव है सिक्का के गेंदबाजों का ये सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर के बल्लेबाज ही बेहतर जानते हैं। अठहत्तर रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या, 8 चोटी के बल्लेबाज।
हेलो रवि सर, विजय प्रताप यादव भैया आपका भी नाम ले लिया। जो लोग देख रहे वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर करते रहे भाई। जफर एंजेट विकास कुमार है, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर ले भाई। विकास तैयार, सामने है प्रतीक, तीन विकेट लेने वाले गेंदबाज बने विकास प्रतीक, यहाँ पे आठ विकेट गंवाए जा चुके हैं। प्रतीक तैयार, सामने है विकास, वाइड का इशारा, रवि मिश्रा का उनके अंदाज में, जब इशारा डिसीजन टेकन करना होता है, रवि मिश्रा अपने स्थान से करीब 5 से 6 कदम दूर जाते हैं और क्या शानदार डिसीजन टेकन करते हैं रवि मिश्रा। प्रतीक चले, हवा में कुछ समय के लिए गेंद जरूर, लेकिन कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 79 रन स्कोर बोर्ड थे, 8 विकेट के नुकसान के पश्चात जो टीम आज जीत दर्ज करेगी फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनेगी। कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 1 बजे से शुरू होगा और कल दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में तय हो जाएगा फाइनल में टकराने वाली दो टीम कौन सी होती है। और रविवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, फंस गए हैं या जाएगी गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, शानदार छक्का और उस छक्के के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 85 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 85 रन स्कोर बोर्ड पे ओवर की समाप्ति का संकेत मिलता हुआ। इस तरह से 11 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 85 रन, अभी भी 4 ओवर का खेल शेष यानी 24 गेंदे आगे शेष है। दुर्गेश कुमार अपने गुट के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में आ रहे हैं और सामने होंगे बल्लेबाज स्ट्राइक पे नौनिश नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे विकास कुमार। दुर्गेश कुमार मुख्य अंपायर, डॉक्टर कमलेश कुशवाहा हवा में और काफी दूर लंबी दूरी यात्रा में डालेगी गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, शानदार छक्का नॉनिस के बल्ले से और इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 91 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 8 विकेट के नुकसान के पश्चात 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। कोशिश दोनों बल्लेबाजों की यहां से यही है कि कम से कम विकेट लगवाया जाए और रन को भी गतिशील रखा जाए और कम से कम 15 ओवर का जो खेल है उसको खेला जाए। एक बार फिर से उसी लाइन की गेंद, लेकिन बल्ले भी ले नहीं पाए, गेंद उनके बल्ले की ओर चिरती हुई निकल गई। विकेट कीपर रिंगू के क्षेत्र में कोई रन बनाने का मौका नहीं। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 91 रन, 12वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस वक्त अगर विकेट की बात की जाए तो 8 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं और टीम के स्कोर बोर्ड को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज विकास और नौनिश कुमार। कोशिश दोनों की यही होनी चाहिए यहां से विकेट दिया ना जाए और 15 ओवर का खेल खेला जाए सिटी हॉस्पिटल के बल्लेबाजों की तरफ से। फुलर लेन की गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा बाहर निकलती हुई, हाथ खोला था बल्लेबाज ने बड़े स्ट्रोक के लिए लेकिन मुलाकात हुई नहीं। ये देखते हुए अगर इस दिशा में स्ट्रोक खेलते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों छोर के खिलाड़ी तैनात है। डीप मिड विकेट से थोड़ा सा वाइड इसे खिलाड़ी है, डीप स्पार्लिक बाउंड्री पे खिलाड़ी, ऑफ साइड में दो खिलाड़ी कवर, हवा में गेंद जरूर है कुछ समय के लिए लेकिन एक रन आसानी के साथ मिलेगा, 4 रन के लिए निकल जाएगी। लड्डू के भांति नाचती हुई गेंद पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए और इस शानदार चौके के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 95 रन में स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। ओवर की अगर बात की जाए तो 12वें ओवर की गेंदबाजी, दुर्गेश कुमार है गेंदबाज कमेंट्री छोर से और बल्लेबाज है नौनिश स्ट्राइक पे। चौके के साथ 95 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 8 विकेट के नुकसान के साथ।
वापस जाएंगे। एक और विकेट गिरता हुआ सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर की तरफ से, नॉनिश आउट होकर वापस लौट रहे हैं अब आखिरी जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। सोलह रन की शानदार पारी खेलकर नॉनिश वापस लौट चुके हैं आखिरी बल्लेबाज। सरफराज बाहुबली मैच कल जिनकी वापसी हो रही है बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दो बल्लेबाजों के ऊपर जो ऑल आउट होने का थप्पा है कम से कम सिटी हॉस्पिटल की टीम के ऊपर न लगे। अवधेश कुमार, दुर्गेश कुमार लेफ्ट आर्म से गेंदबाजी करते हैं, खेला जरूर लेकिन नजदीकी क्षेत्र में शिवम मौजूद हैं, कोई रन बनाने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति तो इस तरह से 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 95 रन 9 विकेट के नुकसान के साथ कुल रन संख्या पहली इनिंग के खेल में सिटी हॉस्पिटल के बल्लेबाजों का यह प्रदर्शन है। पहली इनिंग का खेल चल रहा है, टॉस जीता सिक्टा के कप्तान ने पहले आमंत्रित किया सिटी हॉस्पिटल कुशीनगर के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए और हालात कुछ इस प्रकार है। 12 ओवर का खेल संपन्न हो चला है, स्कोर बोर्ड पे है कुल रन संख्या 95 रन 9 विकेट के नुकसान के साथ। दुर्गेश कौन है गेंदबाज? प्रतीक अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट ले चुके हैं। अपने पहले ओवर में उन्होंने विकेट निकाला था 2 विकेट। हवा में और इसी का मैं जिक्र कर रहा था, ऑल आउट हो गया नहीं हो गई ऑल आउट। सीपी हॉस्पिटल की टीम 95 रन पे जीत के लिए 96 रन बनाने होंगे इस मुकाबले में। 90 गेंदों पे 96 रन की जरूरत होगी दूसरे इनिंग के खेल में। जब दूसरे इनिंग का खेल शुरू होगा मात्र 5 मिनट के ब्रेक के पश्चात दूसरे इनिंग का खेल शुरू होगा, ये देखते हुए कि विलंब काफी ज्यादा हुआ है खेल के शुरुआती समय में, कोई बहुत लंबा विलंब गेप रहेगा नहीं। प्रतीक कुमार सबसे सफल गेंदबाज, 4 विकेट लेने में सफल रहे मात्र 5 मिनट के ब्रेक के पश्चात दूसरी इनिंग का खेल शुरू होगा। 96 रन की जरूरत होगी 90 गेंदों में 15 ओवर के खेल में सिक्टा के बल्लेबाजों को यह मुकाबला जीतने के लिए। अगर यह मुकाबला सिक्टा जीतती है तो पहली टीम होगी फाइनल में प्रवेश करने वाली। सिटी हॉस्पिटल की टीम अगर जीत दर्ज करती है तो वो भी श्रेय प्राप्त करेंगे फाइनल में जाने का, और कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट में खेला जाएगा और रविवार को